मेरे बच्चों, यह कलयुग है जहाँ पाखंड, अंधविश्वास और अज्ञान का बोलबाला है। इसीलिए लोगों को पहचानना सीखें, सतर्क रहना सीखें। कोई नहीं हमदर्द होता यहाँ ईश्वर के अलावा। लाखों में कोई एक ही बिरला होता है जो ईश्वर का दूत बनकर सहायता करता है। बहुत से तो जख्मों पर नमक छिड़कते हैं और दुखों में वृद्धि करते हैं, और जो मीठा बोलने का ढोंग करते हैं उनको तो केवल अपनी दुकानें चलानी है, ईश्वर का नाम लेकर बहती गंगा में हाथ धोना है। बस यही इनकी नियत है। काले धन की गति नाश है। ईश्वर से धोखा करने वालों का जीवन और अंत दोनों खराब होता है। असत्य से धोखा खाकर किसी भोले इंसान का परमेश्वर पर से विश्वास ना उठे, बस यही मेरी चिंता है। मैं सत्य मनुष्य का साथ कभी नहीं छोड़ता। भले ही सत्य मुझसे दूर जाना चाहे, सत्य भक्त ही मेरी संपत्ति और मैं उनका दास हूँ। मेरे वचन बहुत ही गूढ़ हुआ करते थे, ज्ञानियों को भी समझ ना आते, लेकिन कुछ अज्ञानी अपने मन के मुताबिक इनका विवरण कर धन और प्रसिद्धि पाना चाहते हैं। मैंने सच्चरित्र में लिखा है, जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा। जो मेरे करीब है वह खुश है। प्रत्येक मनुष्य में परमात्मा है और परमात्मा सच्चिदानंद है। फिर भी मनुष्य दुखी क्यों रहता है? फिर भी मनुष्य दुष्टता क्यों करता है? कारण उनकी अज्ञानता है। मैं अपने भक्तों की इसी अज्ञानता के अंधेरे को दूर कर उनके आंतरिक ज्ञान का प्रकाश उन्हें दिखाता हूँ और उनकी आध्यात्मिक प्रगति करता हूँ। और जो आध्यात्मिक है वे दुखी नहीं हो सकते। मैंने उन्हें सच्चिदानंद चेतना का ज्ञान दिया है। इससे उनके सारे दुखों का अज्ञान दूर हुआ। परिस्थिति कैसी भी हो, मेरे सच्चे भक्त सदैव प्रसन्न रहते हैं। मैं उनका प्रोत्साहन बनकर हमेशा उनके साथ रहता हूँ। अज्ञानता दूर होते ही मनुष्य के दुखों से भी मुक्ति होती है और परमानंद की प्राप्ति होती है। सद्गुरु के मार्गदर्शन बिना कोई यह भवसागर पार नहीं कर सकता। आप उदास और परेशान हो, यानी आपकी भक्ति और विश्वास में कमी है। और जब आपकी भक्ति और विश्वास में कमी है तो जो दुकान खोलकर मध्यस्थ बन बैठे हैं वे आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? इसीलिए अपनी श्रद्धा और भक्ति बढ़ाओ। किसी पर निर्भर मत रहो। जो स्वयं नहीं जानते कि भक्त और भक्ति क्या है, जो स्वयं नहीं जानते कि कल उनके साथ क्या होने वाला है, सत्य भक्तों के जीवन का उद्धार करना मेरा दायित्व है। सत्य रहो, सत्य मुझे प्रिय है। आपके जीवन में जो खुशियाँ आएगी वह क्षणभंगुर नहीं बल्कि चिरंतन होगी। इसीलिए ना ही चिंता करो ना ही डरो, विश्वास के साथ भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते रहो। नाम स्मरण निरंतर हो, अधिक श्रद्धा और सबूरी हो। तुम्हारी किस्मत का तारा चमकाने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं मेरे सत्य भक्तों को कभी नहीं निराश करता हूँ। खुश रहो।